हर रोज की परेशानी आज क्या बनाए। तो आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पालक पड़ा हुआ था, जिससे मैंने बहुत ही टेस्टी दाल तड़का बनाया है। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बहुत ही यम्मी वाला दाल तड़का बनकर तैयार हुआ था, वो भी पालक के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसके लिए हम लेंगे चने की दाल, तो इसे नाप कर लेंगे। तो 3 भाग कटोरी का चने की दाल को ले लेंगे और 1 भाग मूंग की दाल को ले लेंगे। जैसे 100 ग्राम आप अगर दाल ले रहे हैं तो 75 ग्राम आपको लेना है चने की दाल और 25 ग्राम लेना है मूंग की दाल। और बस इन दोनों को बहुत अच्छे से धो लेना है लगभग 3 बार। और 3 बार अच्छे से धोने के बाद ले लेना है कुकर, और कुकर के अंदर हमें इस दाल को डाल देना है। और जितना दाल है ना, उसका डबल हमें डालना है इसके अंदर पानी। और पानी डालने के बाद हमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी कलर और 1/2 चम्मच के करीब घी। और बस ढक्कन करेंगे बंद और रखेंगे गैस के ऊपर और 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। और जब तक दाल पकता है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, और साथ में लिया है खूब सारा पालक, क्योंकि हम बनाने वाले हैं पालक दाल वाला तड़का, बहुत ही यमी लगता है। तो बस इन सबको अच्छे से छील कर धोकर हमें बारीक बारीक काट लेना है। तो बहुत यमी बनता है ये वाला दाल तड़का। और इस तड़के को आपने बना ली ना, तो सब्जी की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तड़का तो प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, मिर्ची काट ली, अदरक लहसुन को कूट दिया और कुछ अदरक को लच्छे में काट लिया। और बस सीटी अपना 3 से 4 लग चुका है, तो गैस को बंद कर दिया और तड़के की तैयारी करते हैं जब तक अपना सीटी भी निकल जाएगा। और कढ़ाई को गर्म होते ही डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच तेल, आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल को गर्म होते ही डालेंगे साबुत जीरा और साथ में 2 सूखी लाल मिर्च और साथ में तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची और 1 लौंग। और बस इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पर भून लेंगे बहुत अच्छे से, और इन मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए तब डाल देना है बारीक कटा हुआ प्याज और इसे 2 मिनट भून लेना है अच्छे से। और 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह का रंगत आ जाए तो इसमें डाल देना है हरी मिर्च और साथ ही साथ डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम 2 मिनट भून लेंगे। और जैसे ही भूनता है इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, देगी मिर्च, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे, साथ में धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। और बस इन सब को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, तो 1 टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे, साथ में डाल देंगे नमक। चूंकि हमने दाल में नमक डाल रखा है तो हम अभी मसाले के लिए ही नमक इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत अच्छे से टमाटर को गल जाने देते हैं, पक जाने देते हैं, और तब तक चेक कर लेते हैं दाल। तो चने की दाल बहुत अच्छे से पक चुका है और नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर टमाटर और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो पालक को हम इस तरह से रफली काट कर डाल देंगे। तो अब क्या, इसे भी 2 मिनट पका लेंगे और जैसे ही मसाले और पालक आपस में मिलजुल जाए तब हम इसमें डालेंगे पके हुए दाल। और आप देख पा रहे हैं कि चने की दाल एकदम नज़र आ रही है और मूंग की दाल उसको थिक कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर। और बस इसे हम ढक कर पकाएंगे 5 से 7 मिनट। उससे पहले हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी को इस तरह से रब करके डाल देना है और 5 से 7 मिनट पकने देना है। और जैसे ही 5 से 7 मिनट पक जाए तो बस एक बार चेक कर लेना है। ये तैयार है स्पेशल दाल तड़का बहुत अच्छी खुशबू के साथ। तो इसकी खुशबू और भी बढ़ाने के लिए एक और तड़का लगाएंगे, तो इसको हम लगाने वाले हैं घी के साथ। तो 1 बड़ा चम्मच घी में डाला जीरा और साथ में डाला अदरक के लच्छे, थोड़ी सी देगी मिर्च, और अच्छी सी खुशबू आ जाए बस करना क्या है, डाल देना है दाल के अंदर और अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। और इस दाल तड़के को आप राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूरी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार। तो कैसा लगा आज का वीडियो और कैसी लगी आज की ये खास रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।